खाने का प्रेजेंट अलग रहता है ना। मारा तमंचे तो अंकुर भी रखते था ना पास। मेरी बात कॉफी पी दिया मैंने रात को। कहाँ पी थी कॉफी? बाजार में दुकान है। अच्छा बोला था कि ये 10:45 की रात में थाना फलौदा के एक सिपाही अंकुर चौधरी की हत्या हुई थी। उसमें 2 गोली लगी थी उसके शरीर पे। उसका आज खुलासा हुआ है और इस खुलासे में सबसे गंभीर बात ये पाई गई, महत्वपूर्ण बात ये पाई गई कि ये जो हत्या करने वाला था उसका बहुत ही करीबी एक खास मुखबिर था, जो रोज़ उसके साथ उठता बैठता था, उससे उसको तरह तरह की सूचनाएं देके काम करवाता था और कुछ इसकी आपसी खुन्नस उससे हो गई थी किसी बात को लेकर, और उसी खुन्नस में इसने उसको गोली मार के उसकी हत्या की। तो इसके जितने मुखबिर थे उनसे बारी बारी करके बात करना शुरू की। तो एक मुखबिर उसमें से जो आमिर था, निवासी था वहीं का रहने वाला, और हमने तो उसको बहुत देर से बात करना शुरू किया, लेकिन कस्बे में पहले दिन से ही चर्चा हो गई थी कि हाँ वो जो है उस वही है, उसी ने किया है और वही अंकुर के साथ सबसे ज़्यादा रहता था, करवाया था। अभी हाल में वहाँ एक मुर्दा मवेशी वाला बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी फलौदा थाने में, उसमें भी इसका रोल था। इसने छत से एक मुलजिम कूद के भाग रहा था, इस अंकुर चौधरी ने उसको पकड़ा था, ये सब सारी चीज़ें थी। तो इसी बात को ले उसकी उसने अपनी इसमें उसको अपनी बेइज्जती महसूस हुई कि अंकुर ने मेरी आज बहुत बेइज्जती कर दी, और कुछ चीज़ें और थी जिसको मैं यहाँ पे आपको नहीं बताना चाहूँगा। इन सब चीज़ों को लेके उसने एक प्लान किया कि अंकुर को रास्ते से हम हटाएंगे। लगातार कैम्प करता रहा, मेरे साथ ASP साहब हैं सतपाल, ये लगातार वहाँ पर कैम्प किए, एक अंडरटेनिंग ASP थे वो रहे, पूरी क्राइम ब्रांच हमारी लगी रही, पूरी सर्विलांस टीम लगी रही, फोरेंसिक टीम लगी रही हमारी, FSL की टीम लगी रही, नोएडा के फोरेंसिक का भी हमने इसमें सहारा लिया ताकि कोई वहाँ पे जाए ना देखे ना। तो प्रथम दृष्टया देखने पर लगा कि उसके सिर में ही गोली लगी है और वहाँ पे एक तमंचा भी पड़ा हुआ है पास में, तो लग रहा था कि कुछ और भी बात हो सकती है। लेकिन जब बारीकी से बॉडी का निरीक्षण हुआ, FSL निरीक्षण किया, तो उसको एक गोली और पेट के पास लगना पाया गया। तो ये एक पक्का हो गया, एकदम स्पष्ट हो गया कि हत्या का मामला है, और उसमें फिर हत्या का एक अभियोग अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।